हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं इम्पैक्टेड वैक्स के बारे में। तो इम्पैक्टेड वैक्स के ऊपर ये हमारा पार्ट टू है। पार्ट वन के अंदर हमने वैक्स की डेफिनेशन, जो नॉर्मल ईयर वैक्स होता है हमारा, वो वैक्स क्या होता है तो डेफिनेशन उसकी, फिर वैक्स के फंक्शन कौन कौन से है, ठीक है, फंक्शंस ऑफ द वैक्स, ये फंक्शंस देखे थे हमने। फिर उसके बाद नॉर्मल वैक्स तो सबके अंदर प्रेजेंट होता ही है, बट ऐसा तो क्या हो जाता है कि जिसकी वजह से जो वैक्स है वो जमा हो जाता है एक जगह पे, इम्पैक्टेड हो जाता है, तो वो, एंड अगर इम्पैक्टेड वैक्स है तो उसके क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से होंगे, इम्पैक्टेड वैक्स की डेफिनेशन क्या है, ये सब कुछ हमने पार्ट वन के अंदर देख लिया है। एंड आज ये पार्ट टू है जो उसके अंदर हम ये सीखने वाले हैं कि अगर इम्पैक्टेड वैक्स है तो उसकी ट्रीटमेंट हमें क्या करनी है, ठीक है। तो पार्ट टू के अंदर हम सीख रहे हैं इम्पैक्टेड वैक्स की ट्रीटमेंट। तो अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले क्या है कि जो एक्सटर्नल ओल्डरी कैनाल है पेशेंट की, एक्सटर्नल ओल्डरी कैनाल, ठीक है, ये है पिन्ना, ये है एक्सटर्नल ओल्डरी कैनाल, ये है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड ये है मिडल ईयर। तो ये जो एक्सटर्नल ओल्डरी कैनाल है यहाँ पे, उसके अंदर ये वैक्स जमा हो गया है, ठीक है। इस तरह से वैक्स जमा हो गया है जो ईयर केनाल को ब्लॉक कर रहा है, इसकी वजह से पेशेंट को ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, टीनाइटस हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना चाहिए, तो कि ये जो वैक्स है उसको हमें रिमूव करना चाहिए, ठीक है। बट ये वैक्स जो है वो इम्पेक्टेड होगा, बहुत सारा वैक्स एक जगह पर जमा हो गया होगा, तो इसको हम किस तरह से निकालेंगे, तो कि इसको निकालने के लिए जो टेक्निक है, इसको निकालने के लिए वो कौन सी टेक्निक है, तो कि सिरिंजिंग। क्या है सिरिंजिंग? सिरिंजिंग की मदद से ये जो वैक्स है इसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अब क्या है कि अगर किसी इंसान के अंदर ये जो वैक्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्टेड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो इसको सिरिंजिंग की मदद से निकालने से पहले ये जो इम्पेक्टेड वैक्स है उसको हमें सॉफ्ट करना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है, फिर उसके बाद हम सिरिंजिंग से निकाल सकते हैं। तो इसको सॉफ्ट करने के लिए हम वैक्स सॉल्वेंट्स यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है, सिरिंजिंग से पहले ये जो वैक्स है उसे सॉफ्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, तो कि वैक्स सॉल्वेंट्स की हेल्प लेंगे, अगर जो वैक्स है वो बहुत हार्ड है तो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सिरिंजिंग के अंदर हमें क्या करना है। तो अभी ना हम सिरिंजिंग की थियरी देख रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली तो हम नहीं देख रहे हैं अभी, अभी सिरिंजिंग की थियरी देख रहे हैं, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको थियोरेटिकली ही लिखना पड़ेगा ना कि टेक्निक क्या होती है। तो थियोरेटिकली मैं आपको समझाने की ट्राई करती हूँ कि सिरिंजिंग क्या होता है। तो सिरिंजिंग की टेक्निक क्या है वो हम सीखते हैं। क्या देख रहे हैं हम, टेक्निक ऑफ द सिरिंजिंग, तो हम समझते जाएंगे एंड उसके जो मेन पॉइंट्स है वो यहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि क्या करना है, कि अगर आप सिरिंजिंग कर रहे हो तो पेशेंट आपके पास आएगा, आप इमेजिन कीजिए कि पेशेंट आपके पास आया है, आपने उसके ईयर का एग्जामिनेशन किया एंड उसको इम्पेक्टेड वैक्स है, अब आपको वो वैक्स को निकालना है। तो आप पेशेंट को क्या करेंगे, सबसे पहले उसको समझाना है कि भाई हमें आपके ईयर से, ईयर के अंदर से जो वैक्स है वो निकालना है, तो वो बोलेगा कि हाँ ठीक है। तो आप सिरिंजिंग करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, तो कि पेशेंट को बोलोगे कि बैठ जाओ भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम पेशेंट को क्या करेंगे कि बोलेंगे कि बैठ जाइए भाई, तो पेशेंट इज सीटेड, अब पेशेंट को बिठाना है एंड उसके जो ईयर, जो उसका ईयर है जिसके अंदर से हमें वैक्स निकालना है, वो जो ईयर है वो किस साइड रखेंगे, आप अपनी साइड रखेंगे ना, क्योंकि आपको उस ईयर के अंदर से वैक्स निकालना है। तो पेशेंट को बैठने के लिए बोलना है एंड
बेड के उसका जो ईयर है जिस साइड से आपको वैक्स निकालना है वो आप आपकी साइड रखेंगे, ठीक है। तो पेशेंट इज सीटेड विथ ईयर टू बी सिरिंज टूवर्ड्स द एग्जामिनर। आप है एग्जामिनर, आप उसके ईयर का एग्जामिनेशन कर रहे हैं, उसके ईयर के अंदर से वैक्स निकाल रहे हैं, तो आपके साइड वो जो ईयर है उसको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या किया इसके अंदर, हमने पेशेंट को बोला कि भाई बैठ जाओ एंड उसका जो ईयर है वो आप अपने साइड रखाओगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट देख लिया हमने। इसके बाद क्या करना है, सेकेंड पॉइंट हमें क्या करना है, मान लीजिए कि ये कोई पेशेंट है, ठीक है, इसका ये लेफ्ट ईयर है, ये उसका राइट साइड का ईयर है, ठीक है। तो आपको लेफ्ट ईयर के अंदर से वैक्स निकालना है, तो आप इस साइड खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पे हो, तो आपने ये जो पेशेंट का ईयर है वो अपनी साइड रखवाया, पेशेंट बैठा हुआ है यहाँ पे कहीं पे। अब आपको क्या करना है, तो कि इसके अंदर से हम जो वैक्स निकालेंगे तो सब वैक्स कचरा या सब कुछ जो निकलेगा तो ऐसे ही तो नीचे गिरने नहीं दे सकते ना, तो सबसे पहले हमें ये जो पेशेंट है उसको टॉवेल से कवर करना होगा, इसकी जो नेक है उसके आसपास हम टॉवेल रखेंगे, ठीक है। और टॉवेल इज प्लेस्ड अराउंड हिज और हर नेक, ठीक है, उसके नेक के आसपास हमें टॉवेल रखना है, ठीक है। नेक के आसपास हमने टॉवेल रख दिया, अब हम क्या करेंगे, तो कि ये जो ईयर है उसके नीचे हम किडनी ट्रे रखेंगे, क्योंकि हम जब सिरिंजिंग करेंगे उसके ईयर के अंदर से सब वैक्स बाहर निकलेगा, तो वो सब जो कचरा या सब कुछ जो मटेरियल निकलेगा वो किडनी ट्रे के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अगर किडनी ट्रे के अंदर से भी थोड़ा सा गिर गया, किडनी ट्रे के अंदर नहीं गया, तो आसपास हमने पेशेंट के नेक के आसपास जो टॉवेल रखा है उसके ऊपर गिरेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, तो कि जो वो सब कुछ निकल रहा है उसके ईयर के अंदर से वो पेशेंट के ऊपर भी ना गिरे, हमारे ऊपर भी ना गिरे एंड नीचे ज़मीन पर भी ना गिरे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो कि किडनी ट्रे इज प्लेस्ड ओवर द शोल्डर एंड पेशेंट को बोलना है कि उस किडनी ट्रे को पकड़ के रखे, ठीक है। एंड ये किडनी ट्रे हमने जो रखी है वो किस तरह से दिखती है उसका फोटो यहाँ कहीं पे स्क्रीन पे आएगा, आप देख लेना। एंड ये किडनी ट्रे कैसी होती है वो देखते हैं अब हम। अब देखिए, अगर हमें इस पेशेंट के ईयर के अंदर से वैक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो कि हम सबसे पहले जिस साइड पे खड़े हैं उस साइड पे इस पेशेंट के ईयर को रखेंगे, मतलब कि जिस ईयर के अंदर से हमें वैक्स निकालना है उस ईयर को अपनी साइड रखेंगे, ठीक है। सबसे पहला हमने ये कर लिया, फिर क्या करना है, तो कि हमें इस पेशेंट के हेड को टिल्ट करना है थोड़ा सा अपनी साइड। यहाँ पे नीचे की साइड हमने किडनी ट्रे रखी होगी, सबसे पहले यहाँ इस पेशेंट के नेक के अराउंड हमें एक टॉवेल रखना है। इसके नेक के अराउंड पे हमने ये टॉवेल रख दिया है, जिसकी वजह से क्या है कि इसके ईयर के अंदर से जो भी कचरा या जो भी निकले वो इसके ऊपर भी ना गिरे, हमारे ऊपर भी ना गिरे एंड यहाँ पे नीचे ज़मीन पे भी ना गिरे, ठीक है। तो ये टॉवेल रख दिया हमने इसके नेक के अराउंड। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा कि इसके ईयर को अपनी साइड रखना है, सेकंड पॉइंट हमने ये देखा कि ये टॉवेल रख देना है इसके नेक के अराउंड, फिर थर्ड पॉइंट क्या है कि इसके हेड को अपनी साइड थोड़ा सा टिल्ट करना है, नीचे यहाँ पे हमने किडनी ट्रे रखी होगी एंड इसके हेड को इस साइड टिल्ट करना है, ठीक है। तो इस साइड टिल्ट करेंगे एंड फिर यहाँ से हम सिरिंजिंग करेंगे तो जो भी अंदर से निकलेगा वो नीचे किडनी ट्रे में आएगा एंड अगर किडनी ट्रे के अंदर नहीं गया गया तो यहाँ पे आसपास टॉवेल के ऊपर गिरेगा, ठीक है। तो हेड को हमें टिल्ट करना है, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, तो कि पेशेंट का जो पिन्ना है उसे अपवर्ड एंड बैकवर्ड रखना है। किस तरह से रखना है, अपवर्ड एंड बैकवर्ड, पेशेंट के पिन्ना को अपवर्ड एंड बैकवर्ड करके फिर हम ईयर सिरिंज के थ्रू हाई प्रेशर से वाटर को अंदर डालेंगे, ठीक है।
पेना को अपवर्ड एंड बैकवर्ड रख के ईयर सिरिंज से हम वाटर अंदर डालेंगे तो वो हाई प्रेशर से अंदर जाएगा एंड हाई प्रेशर की वजह से अंदर का जो वैक्स है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने जो भी देखा उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पे क्या करा है, तो कि पेशेंट को बैठाया सीट, फिर उसके जिस ईयर के अंदर से हमें निकालना है वैक्स उस ईयर को अपने साइड रखा, फिर नेक के आसपास टॉवल रखा, फिर किडनी ट्रे रखी। मैंने जो आपको वीडियो बताया ना, अभी वीडियो दिखाया, उसमें किडनी ट्रे नहीं रखी थी, बट हमें किडनी ट्रे वहाँ पर रखनी होती है। फिर किडनी ट्रे रखने के बाद क्या करना है, तो कि जो पेशेंट का पिन्ना है उसे हमें पुल करना है। किस तरह से पुल करना है, इसके ऊपर हम एक पॉइंट यहाँ पे लिखना भूल गए कि पेशेंट का जो हेड है उसको ट्रे के साइड टिल्ट करवाना है। ठीक है, फिर जो पिन्ना है उसे किस तरह से हमें पुल करना है, तो कि अपवर्ड एंड बैकवर्ड। फिर क्या करना है, तो कि ईयर सिरिंज की मदद से वाटर फ्लो है वो थ्रो करना है या वाटर फ्लो डालना है ईयर के अंदर, ESC एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर। ठीक है, एंड जब हम वाटर डालेंगे ईयर के अंदर तो हाई प्रेशर की वजह से जो डीप साइड अंदर जो वैक्स होगा, इम्पैक्टेड वैक्स, वो वैक्स बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बाहर निकल के कहाँ पे गिरेगा, जो वाटर हमने डाला होगा वो वाटर उसके साथ साथ में वैक्स ये सब कुछ बाहर कहाँ पे आएगा, तो कि जो किडनी ट्रे रखी है हमने उसके अंदर। ठीक है, जनरली तो उसके अंदर ही आता है बट आसपास भी थोड़ा सा गिर सकता है। एंड ये जो पिन्ना है उसको हम अपवर्ड एंड बैकवर्ड करके ये ईयर सीरीज से वाटर अंदर डालेंगे तो वो कौन सी वॉल के अंदर जाएगा, तो कि मिएटस जो है उसके पोस्टेरो सुपीरियर जो वॉल है उसके अंदर जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो कि सीट, फिर जो ईयर हमें जिस ईयर के अंदर से निकालना है वो हमारी साइड रखना है, फिर नेक के आसपास टॉवल रखना है, फिर हमें किडनी ट्रे रखनी है, हेड को टिल्ट कराना है, फिर उसके बाद जो पिन्ना है उसको अपवर्ड एंड बैकवर्ड करना रखना है, फिर ईयर सिरिंज से वाटर हम डालेंगे तो वो कौन सी वॉल के अंदर जाएगा, तो कि वो जो है वो पोस्टेरो सुपीरियर वॉल के अंदर जाएगा। ठीक है, एंड वैक्स जो है वो बाहर निकल जाएगा। फिर इसके बाद क्या पॉइंट हमें सीखना है, तो कि ये हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है एंड ये यहाँ पे वैक्स है। ठीक है, ये सब वैक्स है। अब क्या है कि ये वैक्स जो है वो बहुत टाइटली इम्पेक्टेड है। ठीक है, ये जो वैक्स है वो बहुत टाइटली इम्पेक्टेड है, अगर तो इस सिचुएशन में अगर हम जो सिरिंज है वो यहाँ से पास करने की ट्राई करेंगे एंड यहाँ पे पास करके हमें वाटर का फ्लो थ्रो करना है ना, तो ये जो सिरिंज है वो पास ही नहीं हो पाएगी यहाँ किसी भी जगह से, तो फिर हमें इस सिचुएशन में क्या करना है, तो कि हमें स्पेस क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, तो क्या है कि इफ वैक्स इज टाइटली इम्पेक्टेड, अगर जो वैक्स है यहाँ पे वो बहुत टाइटली इम्पेक्टेड है तो हमें क्या करना है, स्पेस क्रिएट करनी है। एंड ये स्पेस क्रिएट करनी है ताकि इस स्पेस की मदद से वो जो सिरिंज है वो पास हो सके। अब क्या है कि अगर आप ये स्पेस क्रिएट नहीं करोगे तो क्या होगा, तो उसके लिए मान लीजिए कि ये एंड ये दोनों जो है वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है। ठीक है, ये बीच वाली हमारी जो है वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, इसके अंदर यहाँ पे ये वैक्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये इम्पेक्टेड, ये पूरा जो है वो वैक्स है। अब वैक्स ने ये जो ईयर कैनाल है उसको ब्लॉक करके रखा हुआ है। अगर जनरली क्या होता है, तो कि यहाँ पे कहीं पे स्पेस होती है, तो ये मान लीजिए कि हमारी सिरिंज है, तो अगर आपने सिरिंज यहाँ से पास करी तो चली जाएगी, बट अगर क्या है कि बहुत टाइटली इम्पेक्टेड वैक्स है, मान लीजिए कि इस तरह से, तो कि ये ईयर कैनाल है एंड यहाँ पे वैक्स है,
ये जो है वो हमारा वैक्स है, ठीक है, ये पूरा हमारा वैक्स है वाइट कलर का, एंड ये जो है वो ईयर केनाल है, तो यहाँ पे कहीं पे स्पेस ही नहीं है, तो आप इस तरह से सिरिंज डालोगे तो क्या होगा, तो कि ये जो वैक्स है वो अंदर की साइड चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होगा, यहाँ पे मिडल ईयर होगा, तो ये जो वैक्स है वो अंदर की साइड चला जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा वैक्स मोर डीप चला जाएगा। अब आपने सब अच्छे से कर लिया, जो वैक्स है उसको अच्छी तरह से बाहर निकाल लिया, प्रोसेस एंड हो गई। फिर एंड में आपको क्या करना है, तो कि जो ईयर केनाल है, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, उसको एग्जामिन करना है, ठीक है। प्रोसेस के एंड पे आपको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड ईयर केनाल, इन दोनों को एग्जामिन करना है कि इन दोनों को कोई डैमेज तो नहीं हुआ है ना। ईयर केनाल में हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल के अंदर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर कोई डैमेज नहीं हुआ है ना, उसको चेक करना है, ठीक है। एंड फिर लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको क्लिनिकल फीचर्स जो बताए थे उसके अंदर हमने ये पॉइंट सीखा था कि अल्सरेशन भी हो सकता है, वैक्स ग्रेनुलामा का भी फॉर्मेशन हो सकता है। तो अगर आपको वैक्स निकालने के बाद वहाँ पे अल्सरेशन देखने को मिल रहा है, अगर कोई अल्सरेशन देखने को मिल रहा है मिएटर वॉल के अंदर इम्पेक्टेड वैक्स की वजह से, तो उसे उसके हमें ट्रीट कैसे करना है, उसको हमें ट्रीट कैसे करना है, तो कि एंटीबायोटिक एप्लीकेशन से, ठीक है, एंटीबायोटिक लगानी है वहाँ पे, ताकि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन ना हो सके। अब अभी तक हमने क्या देखा है, तो कि अभी तक हमने सिरिंजिंग की टेक्निक देखी है, ठीक है, किस तरह से सिरिंजिंग करनी है एंड क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, वो सब। अब हम ये देखते हैं कि सिरिंजिंग की कॉम्प्लिकेशंस क्या होगी। अब हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस, तो क्या है कि सिरिंजिंग के लिए जो हम वाटर यूज़ करते हैं वो बॉइल्ड टेप वाटर होता है। जो वाटर है वो हमारी बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा हॉट भी नहीं होना चाहिए एंड ज़्यादा कोल्ड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर जितना हॉट वाटर हो तो चलेगा, बॉडी टेम्परेचर जितना टेम्परेचर हो तो चलेगा, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए जो वो वाटर है वो, एंड बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म वाटर यूज़ कर लिया हमने तो क्या होगा, तो कि जो वाटर है, इफ़ टू हॉट और टू कोल्ड, अगर ये जो वाटर हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ तो क्या करेगा ये जो वाटर है वो, तो कि जो हमारा लेबरिंथ है, जो हमारा इनर ईयर है, उसको स्टिम्युलेट करेगा। अगर ये जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा हॉट या बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ तो वो लेबरिंथ को स्टिम्युलेट करेगा एंड इसकी वजह से क्या होगा, तो कि वर्टिगो, ठीक है। तो ये देख ली हमने फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन। इसके बाद सेकेंड नंबर पे क्या है कि अगर हमने बहुत ज़्यादा फोर्स से वाटर को अंदर डाला, टू मच फोर्स यूज़ करा, तो उसकी वजह से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसका रप्चर हो सकता है। If too much force, सिरिंज के लिए हमने अगर बहुत ज़्यादा फोर्स यूज़ किया तो क्या होगा, रप्चर ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये देख लिया हमने सेकेंड कॉम्प्लिकेशन। अब क्या है कि यहाँ पे हमने देखा था कि ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है एंड बहुत ज़्यादा प्रेशर हमने यूज़ किया, ठीक है, तो ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसका रप्चर हो सकता है।
एंड ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का रप्चर है वो किन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो कि जिन लोगों को प्रीवियसली कोई डिसीज़ हो रखा है, ऑलरेडी कोई डिसीज़ की वजह से उसका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वीक है, तो उन लोगों के अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड अगर किसी इंसान के अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का रप्चर हो गया तो वो पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा, तो कि सिरिंजिंग के तुरंत बाद उसको अपने ईयर के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होने लगेगा, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, तो कि सिरिंजिंग से पहले हमें उस पेशेंट से पूछना है कि भाई आपको पास्ट में कोई डिसीज़ था, मतलब कि हम क्या पूछेंगे कि आपको इससे पहले ऐसी कोई तकलीफ़ हुई थी, आपके ईयर के अंदर से कोई डिस्चार्ज निकल रहा था, ईयर के अंदर पेन हो रहा था, ऐसी कोई भी कंप्लेंट थी या नहीं, ऐसा हम उस पेशेंट को पूछेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हमें पता होगा कि इसका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वीक है पहले कोई डिसीज़ की वजह से, तो हम कम फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिकॉशंस रख सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या है, तो कि क्वेसेंट ओटाइटिस मीडिया होगा अगर उस पेशेंट को पहले होगा जो डीएक्टिवेट हो गया होगा, तो फिर से उसका रीएक्टिवेशन हो सकता है। तो ये देख लिया हमने सिरिंजिंग की कॉम्प्लिकेशंस। फिर उसके बाद हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है सिरिंजिंग करते वक्त, कि सिरिंजिंग जो है वो जनरली स्किल्ड हैंड, मतलब कि जिनको अच्छे से आता हो, जिन्होंने सुपरविजन के अंदर ऑलरेडी बहुत से सिरिंजिंग कर रखे हो, ठीक है, स्किल हैंड से हमें करानी चाहिए, स्किल हैंड की मदद से करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ भाई अभी सीख रहे हैं एंड पहले ही हमने अकेले अकेले सिरिंजिंग कर दी, हम किसी के टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को परफोरेट कर देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। Should be done by skilled hand. And under direct vision. ठीक है, तो ताकि हम पता चल ले कि हम कहाँ पे पहुंचे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो सब। अब क्या है कि सिरिंजिंग करने के लिए हम सिरुमिनस हुक, स्कूप या जॉब्सन होर्न प्रोब का यूज करते हैं। तो अभी तक हमने सिरिंजिंग की टेक्निक, उसकी कॉम्प्लिकेशंस, ये सब कुछ तो देख लिया। अब हम देखते हैं कि सिरिंजिंग के कॉन्ट्राइंडिकेशंस कौन कौन से हैं, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर हमें सिरिंजिंग नहीं करनी है, ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो उसके अंदर सबसे पहला है कि अगर किसी का टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेटेड है तो हमें ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन होगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेटेड होगा, तो हम सिरिंजिंग करेंगे तो यहाँ पे जो वैक्स होगा वो वैक्स अंदर की साइड मिडिल ईयर में चला जाएगा, जो वाटर हम अंदर इंसर्ट करेंगे वो वाटर ये सब कुछ मिडिल ईयर के अंदर चला जाएगा ना, तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन के अंदर हमें नहीं करना है। फिर उसके बाद है फॉरेन बॉडी, ईयर के अंदर फॉरेन बॉडी के ऊपर सब कुछ हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वो देख सकते हैं। तो ईयर के अंदर अगर फॉरेन बॉडी है, कौन कौन सी फॉरेन बॉडी, तो अगर बैटरी है तो हमें सिरिंजिंग नहीं करनी है। फिर अगर लाइव इंसेक्ट है तो भी हमें सिरिंजिंग नहीं करना है। एंड उसके बाद अगर है वेजिटेटिव फॉरेन बॉडी, वेजिटेटिव के अंदर क्यों, तो कि अगर हम वाटर इंसर्ट करेंगे सिरिंजिंग के थ्रू तो ये जो फॉरेन बॉडी होगी वो फूल जाएगी, ठीक है, स्वेल हो जाएगी एंड फिर मोर ब्लॉकेज क्रिएट करेंगी। तो इस सब फॉरेन बॉडी वाली कंडीशन के अंदर हमें सिरिंजिंग नहीं करना है, एंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन के अंदर हमें सिरिंजिंग नहीं करना है, ठीक है। तो सिरिंजिंग के बारे में हमने जो हमारा इम्पेक्टेड वैक्स का जो वीडियो था, पार्ट टू था ये, उसके अंदर हमने सिरिंजिंग जो ट्रीटमेंट है उसकी बात करनी थी, हमने सिरिंजिंग देख रखी है अभी तक। सिरिंजिंग के अंदर हमने उसकी टेक्निक, उसकी कॉम्प्लिकेशंस एंड उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस ये सब कुछ देखा है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।